I flicked him off again. He skipped away, took another jaunt round the compartment, returned and seated himself impudently on the back of my hand. मैंने उस मच्छर को दोबारा उड़ा दिया पर वह कूद कर दूर चला गया. उसने एक दूसरा चक्कर लगाया, छोटा सा दूसरा चक्कर लगाया पूरे डब्बे का और फिर लौट कर आया और पूरी ही धृष्टतापूर्वक मेरे हाथ के पीछे वाले हिस्से पे बैठ गया. इट इज एनफ आई सेड मैग्निमिनिटली हैड इट्स लिमिट. मैंने कहा बहुत हो चुका. उदारता की एक लिमिट होती है, उदारता की एक सीमा होती है. ट्वाइस यू हैव बीन वार्न दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर. तुमको दो बार चेतावनी दी जा चुकी है कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ. दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट एंड टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर. मैं कुछ इस तरह का विशिष्ट व्यक्ति हूँ कि मेरे अंदर का जो सही व्यक्ति है वह क्रोधित हो जाता है, नाराज हो जाता है अगर कोई अजनबी उसके साथ बदतमीजी के साथ मुझे गुदगुदाता है. तो मेरे अंदर का जो सही व्यक्ति है वह नाराज हो जाता है. आई ज्यूम द ब्लैक कैप. मैंने तुम्हारे लिए एक काली टोपी की कल्पना की है, काली टोपी सोचा है. मतलब काली टोपी से मतलब है जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना होता है तो उसे काली टोपी पहनाते हैं. तो इसने उसको मृत्युदंड देने की बात सोच ली है. आई कंडेम यू टू डेथ. मैं तुमको मृत्युदंड की सजा देता हूँ. जस्टिस डिमांडेड. न्याय की यही मांग है. एंड द कोर्ट अवार्डेड. और न्यायालय तुमको मृत्युदंड सुनाती है. द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी. तुम्हारे ऊपर जो आरोप हैं वो बहुत से हैं. यू आर ए वैग्रेंट. तुम एक आवारा हो. यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस. तुम पब्लिक में के एक उपद्रवी तत्व हो, जनता के लिए उपद्रवी तत्व हो. यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट. तुम बिना किसी टिकट के यात्रा कर रहे हो. यू हैव नो मीट कूपन. तुम्हारे पास राशन कार्ड भी नहीं है. मीट कूपन का मतलब राशन कार्ड से है. फॉर दी एंड मैनी अदर मिस डी मैनी मिस डेमिनियस यू आर अबाउट टू डाई. इन सब के अलावा भी बहुत से गैर कानूनी कार्यों का आरोप है. अब तुम को मृत्यु मिलेगी. अब तुम मरने वाले हो इन सब कारणों से. आई स्ट्रक इस स्विफ्ट. मैंने तेजी से उसको मारा. लेथल ब्लो विथ माय राइट हैंड. और जो मैंने उसे मारा था उसे अपने दाहिने हाथ से मारा था और बहुत ही आक्रामक होकर मारा था. ही डॉज द अटैक विथ एंड इंसोलेंट ईज एंड हमिलिएटेड मी. वह कूदते हुए बहुत ही आसानी से अपने आप को मुझसे बचाया ही नहीं बल्कि कुछ अपमानित करते हुए अपने आप को मुझे बचाया. जैसे चढ़ाते हुए अपने को बचा लिया कि देखो चलो मारने आए हो. माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड. जो मेरी व्यक्तिगत राजसी अहम था, अपने को विशिष्ट समझने की जो भावनाएं थी वह जग गई. आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर. मैं उस पर टूट पड़ता हूँ अपने हाथों से और जो मेरे पास पेपर था उससे, क्योंकि उसने जिस तरह से अपने आप को बचाया था वह मेरे लिए अपमानजनक था. अब मैं उसको के ऊपर टूट पड़ता हूँ कि नहीं इसको अब खत्म कर देना है. आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परसूड हिम राउंड द लैम्प. मैं अपने सीट से कूद पड़ा और उसने लैम्प का चारों चक्कर लगाया तो मैं भी उसको चेस किया हूँ, पीछा किया हूँ.
I adopted tactics of feline cunning, waiting till he had alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness. मैंने उसको मारने के लिए एक धूर्त बिल्ली के सारे तकनीकों को आजमाया. जैसे एक बिल्ली होती है अपने शिकार को मारने के लिए बहुत ही तकनीकी दक्षता का परिचय देती है, तो ऐसा ही कुछ मैंने भी किया. अब क्या क्या कुछ किया, तो सबसे पहले तो उसको मैंने इंतजार किया कि वो लैंप से उतर के नीचे आए, और फिर जैसे ही नीचे आता है मैं बहुत ही भयानक आघात करता हूँ. एकदम चुपके से ऐसे बिल्ली अपने शिकार पे चुपके से आघात करती है, और उसका आघात बहुत ही घातक होता है. उस तरह से मैंने आघात किया, और यह आघात भी मतलब बिल्कुल सडन था, अचानक किया हुआ आघात था. और इस आघात में बहुत ही तीव्रता भी थी और बहुत ही आक्रामकता भी थी. भयानक तरीके से मैंने आघात किया.